गाइज, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर था, तो अचानक से क्या हुआ कि आज $1 लगभग 74 रुपए के बराबर है। रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ, इसके तीन कारण हैं। पहला कारण, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बंटवारे के समय देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था, ये पहली वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जब हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था, जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ गया था, ये दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह ये थी कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता था, यानी कि निर्यात से ज़्यादा आयात करता था। इन तीनों ही वजह से विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपये की कीमत घटती चली गई। गाइज, आपको नॉलेज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।